टू डराइव न्यूटन्स लॉ फ्रॉम ग्रेविटेशनल का कैपलर लॉ। अब ये क्या बात बनी, पिछला टॉपिक क्या था, कैपलर का थर्ड लॉ से का प्रूव करो, इसको प्रूव करो बाय यूजिंग न्यूटन का लॉ। ये रहा न्यूटन का लॉ। अगर मान लो टॉपिक आ गया और अब भूल गए कैसे करना है, कुछ ना करना, ये लिख देना फ्रॉम कैपलर थर्ड लॉ, फिर ये लिख देना, फिर ये लिख देना, फिर ये लिख देना, और ये करते हुए यहाँ पहुँच जाना। यही तो हो रहा है, फोर्स से कैपलर, कैपलर से फोर्स। पर चलो आप थोड़ा और बेटर प्रेजेंटेशन कर दें, अर्थ घूम रही है, फोर्स की वैल्यू सेंट्रीपिटल है। देखो अब आप जी एम एम बाय आर स्क्वायर यूज नहीं कर सकते, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो यूज कर ही सकते हो, तो अर्थ के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी है, एम वी स्क्वायर बाय आर। अब वेलोसिटी क्या होती है, टू पाई आर बाय कैपिटल टी। इस वेलोसिटी को यहाँ पुट कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, ये टर्म आ गई, यहाँ से फोर पाई स्क्वायर टी स्क्वायर पहले ले आए, ये टर्म आ गई। कैपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, कॉन्स्टेंट के आ गया, और इस टी स्क्वायर को उठा के डिनोमिनेटर में पुट कर दें तो ये टर्म आ गई, आर से आर क्यूब कैंसिल तो ये टर्म आ गई। कुछ बन तो रहे, एफ इज समथिंग समथिंग एम बाई आर से, वो समथिंग पता ही है, कैपिटल जी एम है, फिर कैपिटल में मास ऑफ सन। अब इस फोर्स के अंदर कौन लगा रहा है, ये फोर्स सन लगा रहा है, तो सन के मास को तो होना ही है। तो ये जो कॉन्स्टेंट के दिख रहा है इसके बारे में हमें मालूम नहीं है, पर ये पक्की बात है, ये जो कॉन्स्टेंट है ये कहीं ना कहीं मास ऑफ सन पर डिपेंडेंट है, और कहीं ना कहीं इसका कॉन्स्टेंट आएगा, और वो कॉन्स्टेंट यहाँ पर पक्का कैपिटल जी आएगा। जब आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो जी एम एम बाई आर स्क्वायर आंसर है। बस एक थ्योरी का प्रूफ है और कुछ नहीं है। तो जब ये अगर बाई चांस आ जाए तो अपने ऐसे करना है बात खत्म, ठीक।